स्पेशली ऐसी फिल्म के साथ जो यू नो फुली हमने अपने कन्विक्शंस और अपनी गट फीलिंग से बनाई है. और अभी नॉट ओनली इज इट क्रिटिकली अक्लेम्ड, जहाँ पे हर क्रिटिक ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है फिल्म को, उसके साथ साथ कलेक्शन भी बहुत ही स्टूपेंडस है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग. आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? आप फिल्म में चाहते कि आपकी फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड हो, साथ में यू नो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छे हों, दोनों ही जगह पर हम लोग अच्छा कर रहे हैं. सो दैट्स सुपर. हम जैसे देखा होगा कि इस फिल्म को जितना रियल रखा जाए उतनी कोशिश की हमने. हम खुद गिर रहे थे, कभी झाड़ियाँ लग रही थी, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन इतनी अच्छी टीम थी, इतने सब पॉजिटिव थे इस फिल्म के लिए, बहुत ही डेडिकेटेड थे कि ये सब करने में हमें उस वक्त लग नहीं रहा था. एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा होता उस समय पे पता नहीं चलता है चोट लगी है. मैं तो होटल रूम जाती थी, बाद में वो समझ आता था कि मेरे को कहीं पे ब्रूस लगी हुई है, कहीं पे स्क्रैच है, कहीं पे कट है, वो बाद में दिखता था. सब्जेक्ट ही इतना स्ट्रांग था, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग थी. मुझे पूरा यकीन था कि जब ऑडियंस देखेगी, जब वो इन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि कैरेक्टर्स जो थे, जो मीरा का कैरेक्टर है, बहुत आइडेंटिफाइबल है, स्पेशली एक अर्बन ऑडियंस के लिए. और उनके साथ साथ जो जिस जर्नी पे मीरा और अर्जुन जाते हैं, ऑडियंस भी उनके साथ उस जर्नी पे है. तो जहाँ तक कि एज अ डायरेक्टर मैं जिस चीज़ों का ख्याल रखता था, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर के जो ऑडियंस जब देखेगी वो एकदम इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके इनके साथ उस जर्नी पे जाएंगे.